हेलो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से क्लास 11th का जो चैप्टर 6 है उसकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको दो रिजल्ट पे फोकस करने हैं। वो दो रिजल्ट क्या क्या है, जिसमें पहला मैंने लिख रखा है इसको प्रूव करूंगा मैं, और जो सेकेंड है वो ये तो लेस वाला है, वो ग्रेटर वाला है। ठीक है, इन दोनों को आप अच्छे से समझ लेना। अगर ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो एक्सरसाइज 6.2 में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो एक्सरसाइज 6.2 है इसी पर बेस्ड कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो टीचर के लिए, या कोई और जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इसको अच्छे से समझना है आपको। जो फर्स्ट है इसमें बोल रखा है, अगर ए स्मॉल ए कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है तब ये रिजल्ट होंगे, यानी मॉडुलस एक्स लेस देन ए होगा तो आपको ये रिजल्ट लेके चलना है, और इक्वल आए साथ में तो इक्वल भी लगा देंगे। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है ना, तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो अपने आप में दो फंक्शन को लेके चलता है। मॉडुलस एक्स क्या क्या, देखो मोड का मतलब समझो, मॉडुलस एक्स मोड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू होती है तो जब भी वो मोड से बाहर आएगी तो पॉजिटिव होती है ना। यहाँ पे एक्स अननोन वैल्यू है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, हमको नहीं पता। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव ही आएगी, मतलब एक्स एज इट इज रहेगा। कब, जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी या तो जीरो या जीरो से बड़ी है। ठीक है, और अगर एक्स नेगेटिव होता, अगर x यहां पे नेगेटिव होता तो मोड से बाहर लेके आते तो पॉजिटिव बनाते ना। कैसे, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते तो यहां पे आपको माइनस एक्स रिजल्ट मिलेगा। कब, जब x नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो ये दो केस आपको लेके चलने हैं, यानी अगर मॉडुलस x की वैल्यू x के इक्वल आएगी कब, जब ये केस होगा, और मॉडुलस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स की इक्वल आएगी कब, जब ये केस होगा। ठीक है, अब यहां से इन दोनों केस से हम क्या रिजल्ट निकालते हैं। केस फर्स्ट लेते पहले, केस फर्स्ट व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो, देन अगर ये केस लेके चल रहे हैं तो मॉडुलस एक्स एक्स की इक्वल आ रहे हैं, मॉडुलस एक्स इक्वल एक्स। ठीक है, हमारी जो इनिक्वेशन था वो क्या था, मॉडुलस एक्स लेस देन ए। ओके, मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव एक्स लेस देन ए। तो यहां से सॉल्यूशन सेट क्या मिला, इसका सॉल्यूशन सेट क्या मिलेगा, ये जो एक्स है ये ए से छोटा है। कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है। इस केस के लिए आपको, केस फर्स्ट के लिए ये सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड केस को लेके चलते हैं। केस सेकंड, सेकंड केस कौन सा, नीचे वाला, व्हेन एक्स लेस देन जीरो देन मॉडुलस एक्स इक्वल माइनस एक्स। ये जो मॉडुलस एक्स है ना ये प्लस एक्स के इक्वल है और ये ही माइनस एक्स के इक्वल है, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन में। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये केस लिया है। ओके, अब हमको जो इनिक्वेशन दे रखा था वो था मॉडुलस एक्स लेस देन ए। अब मॉडुलस एक्स की वैल्यू है मेरे पास माइनस एक्स लेस देन ए, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ए, और लेस का हो जाएगा ग्रेटर। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन सेट क्या आया, सॉल्यूशन सेट इज, ये जो एक्स है वो किससे बड़ा है, माइनस ए से बड़ा है, एक्स जो है वो माइनस ए से बड़ा है। ठीक है, ये हमको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, अब कब मिल रहा है ये, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है, यानी लेस देन जीरो। ओके, अब हमको दो सॉल्यूशन सेट मिले, एक ये और एक ये। ओके, इन दोनों से क्या रिजल्ट निकलेगा, फ्रॉम सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मॉडुलस एक्स लेस देन ए ये इनइक्वालिटी थी, तो इस केस में हमको रिजल्ट क्या क्या मिला। इस केस में मिला, पहले मैं इन दोनों को लिख देता हूं, माइनस ए इसको लिख देता हूं पहले, एक्स लेस देन जीरो, और सेकंड मिला था हमको ये वाला जीरो लेस इक्वल एक्स एंड एक्स लेस देन ए। ठीक है,
तो यहां से अब इसको समझते हैं, जो x है ना वो माइनस a से बड़ा है और जीरो से छोटा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है, और इसमें जीरो भी शामिल है और जीरो से आगे प्लस a उससे छोटा, इसका मतलब माइनस a से प्लस a तक x की वैल्यू आएगी। देखो माइनस a से बड़ा, ठीक है, यहां से क्या मिल रहा है, माइनस a से बड़ा x और जीरो से छोटा, ठीक है, और ये क्या कह रहा है, जीरो भी शामिल है, यानी जहां तक हमने छोड़ा था उससे अगले से वहीं से स्टार्ट हो गया, जीरो से पहले तक था नहीं, और फिर जीरो को भी शामिल कर लिया इसने और a से छोटा बता रहा है, तो इन दोनों केस से हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, माइनस जो एक्स है वो माइनस ए से बड़ा और ए से छोटा, ठीक है। इसी तरीके से आप पे जो सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है उसको सोल्व कर सकते हो, उसमें इसमें लेस वाले थे तो दोनों में लेस था, यहां पे लेस इक्वल है तो इक्वल आ जाएगा। ओके, ये था रिजल्ट फर्स्ट। अब जो रिजल्ट सेकेंड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको और समझते हैं। अब जो सेकेंड रिजल्ट है उस पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे अब की बार जो मॉडुलस फंक्शन है वो ग्रेटर के साथ होगा, ग्रेटर होगा रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर ए से, या तो ग्रेटर या ग्रेटर इक्वल। तो इसको मैं प्रूव करता हूं पहले। इसमें जो मॉडुलस फंक्शन है उसको डिफाइन करते हैं पहले, मॉडुलस एक्स किसके इक्वल आएगा, वही दो केस, या तो पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स कब आएगा, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल जीरो होगा, ठीक है। नेगेटिव कब आएगा, जब जीरो से छोटा होगा, इफ एक्स लेस देन जीरो। ये दो केस आपको मिल चुके हैं। अब जो केस फर्स्ट है उस पर चर्चा करते हैं। केस फर्स्ट क्या है, व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो, देन मॉडुलस एक्स किसके इक्वल, प्लस एक्स के इक्वल। ओके, हमको जो ये इनिक्वेशन रखी है वो क्या है, मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए, मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए। अब जो मॉडुलस एक्स की वैल्यू है एक्स, वो पुट करते हैं यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन ए। ओके, तो यहाँ पे हमको सॉल्यूशन क्या मिला, सॉल्यूशन सेट आएगा एक्स ए से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन ए, लेकिन कब, व्हेन एक्स ऑल्सो ग्रेटर इक्वल जीरो। यहां पे एक्स जीरो या जीरो से बड़ा बता रहा है, और यहां पे एक्स ए से बड़ा बता रहा है, और ए क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और इससे बड़े क्या है, जो भी है पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पे तो जीरो से बड़ा बता रहा है और यहां पे ए से बड़ा बता रहा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यही होगा ना बड़ा, तो यही केस हमको लेना होगा। यानी इसके लिए आपको केस फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन सेट क्या मिला, कि जो एक्स है वो ए से बड़ा है, ठीक है। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस कौन सा, ये वाला केस सेकंड, व्हेन एक्स लेस देन जीरो देन मॉडुलस एक्स इक्वल माइनस एक्स, उस केस में मॉडुलस एक्स माइनस एक्स के इक्वल होगा, ये केस लोगे तब, ठीक है। अच्छा, अब आपको दे रखा था इन इक्वेशन मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है, तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है, ग्रेटर देन ए, माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स लेस देन माइनस ए, ठीक है। यहां पे रिजल्ट क्या मिल रहा है, जो एक्स है वो माइनस ए से छोटा है, ठीक है, जो एक्स है वो माइनस ए से छोटा है, कब, जब एक्स जीरो से छोटा है तब। अब जीरो से छोटा है और ये माइनस का कोई एक नंबर है, ठीक है, उससे भी छोटा है, तो इन दोनों में छोटा कौन सा, माइनस वाला छोटा है ना, तो यही क्राइटेरिया लेंगे सॉल्यूशन सेट में। सॉल्यूशन सेट इज एक्स लेस देन माइनस ए, ठीक है। अब इन दोनों से हमको क्या रिजल्ट मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशन, फर्स्ट एंड सेकंड, जो एक्स है वो ए से बड़ा और माइनस ए से छोटा, ये दो केस आ रहे हैं दोनों दोनों केस के रिजल्ट से, ठीक है। जो एक्स है वो या तो ए से बड़ा होगा या फिर जो एक्स है वो माइनस ए से छोटा होगा, ऐसे ही आपको सेकंड वाला केस लेके चलना है, ठीक है, उसमें इक्वल हो रहा जाएगा तो ये सेम रिजल्ट मिलेगा। अब इन दोनों रिजल्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको मॉडुलस के अंदर मिल रहा है एक्स प्लस वन, ये मॉडुलस है, इसके अंदर है एक्स प्लस वन और ये पूरा ग्रेटर इक्वल थ्री है, ठीक है।
तो अब आपको क्या लिखना होगा, वी नो दैट फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर ए, किसी ए पॉजिटिव रियल नंबर के लिए आपको रिजल्ट मिला था मॉडुलस एक्स ग्रेटर इक्वल ए इफ एंड ओनली इफ एक्स लेस इक्वल माइनस ए और एक्स ग्रेटर इक्वल ए, ठीक है। तो यहां पे मॉडुलस एक्स जो है वो आपको दिखा है एक्स प्लस वन, कंपेयर करोगे तो, और जो ए की वैल्यू वो क्या है, थ्री है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एक्स एक्स मतलब एक्स प्लस वन लेस देन माइनस ए माइनस थ्री, और एक्स एक्स मतलब एक्स प्लस वन ग्रेटर इक्वल ए, ए क्या है यहां पे थ्री है, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है, बोथ साइड आपको माइनस वन एड करना है, तो क्या लिखोगे, एडिंग माइनस वन ऑन बोथ साइड, एक्स प्लस वन माइनस वन और इधर माइनस थ्री माइनस वन, ये कॉन्स्टेंट कैंसिल, एक्स लेस इक्वल माइनस फोर, यहां पे बोथ साइड आपको माइनस वन एड करना है, एक्स प्लस वन माइनस वन ग्रेटर इक्वल थ्री माइनस वन, एक्स ग्रेटर इक्वल टू। अब यहां से क्या रिजल्ट मिला, जो x है वो माइनस चार या उससे छोटा है, ठीक है, x बिलोंग्स टू माइनस चार इंक्लूड है और उससे छोटा, उससे छोटा कहां तक पता नहीं, नॉट डिफाइन, और माइनस चार शामिल है क्या, बिल्कुल शामिल है, इक्वल आ रहा है, तो इसको लोगे आप क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। और यहां से जो x है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, दो या दो से बड़ा, दो शामिल है और दो से बड़ा पॉजिटिव नॉट डिफाइन, ठीक है। तो इन दोनों से जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन दोनों का यूनियन, यानी माइनस नॉट डिफाइंड टू माइनस फोर यूनियन फोर, ये सॉरी फोर ओपन नहीं, क्लोज इंटरवल में टू टू नॉट डिफाइंड, ये इसका सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट की तरह ही सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी लिखेंगे फोर एनी पॉजिटिव रियल नंबर ए, किसी ए पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, ये आपको पता है मॉडुलस एक्स ग्रेटर इक्वल ए इफ एंड ओनली इफ एक्स लेस इक्वल माइनस ए और एक्स ग्रेटर इक्वल ए। अगर यहां से कंपेयर करें तो जो एक्स है वो क्या है, एक्स प्लस टू लेस इक्वल माइनस ए, माइनस ए, ए क्या है फाइव है, और सेकंड केस यहां से जो x है, x मतलब मोड के अंदर जो वैल्यू है x प्लस टू, आपको जो इनिकेशन रखे वहां से ग्रेटर इक्वल a, a क्या है फाइव है। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको बोथ साइड माइनस टू एड करना होगा, तो x प्लस टू माइनस टू लेस इक्वल माइनस फाइव माइनस टू, एक्स लेस इक्वल माइनस सेवन, और यहां से क्या मिलेगा, बोथ साइड माइनस टू एड करना होगा इधर भी, तो क्या लिखोगे, एडिंग माइनस टू ऑन बोथ साइड, एक्स प्लस टू माइनस टू और इधर भी 5 माइनस टू, तो यहां से रिजल्ट मिला आपको x ग्रेटर इक्वल 3। अब यहां पे तो बोल रहा है कि जो x है वो माइनस सेवन या उससे छोटा है, और यहां पे बोल रहा है जो x है वो 3 या उससे बड़ा, तो x कहां से बिलोंग करेगा, सबसे पहले इसको देखो, माइनस सेवन या उससे छोटा, यानी माइनस नॉट डिफाइंड टू माइनस सेवन, माइनस सेवन शामिल है ना, इंक्लूड है, तो क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन x तीन या तीन से बड़ा है, तीन शामिल है, तो क्लोज इंटरवल में लिखोगे थ्री और उससे बड़ा नॉट डिफाइन, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें आपको दो अलग अलग इनिक्वेशंस दे रखे हैं, तो फर्स्ट वाले को सोल्व करते पहले x माइनस वन लेस इक्वल फाइव, मोड के अंदर है ये, फोर एनी पॉजिटिव रियल नंबर ए, किसी पॉजिटिव रियल नंबर ए के लिए व्हेन एक्स, ये वाली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, लेस इक्वल ए, उस टाइम हमको क्या रिजल्ट मिला था इफ एंड ओनली इफ माइनस ए और ये जो एक्स है वो माइनस ए से बड़ा या उसके इक्वल और प्लस ए से छोटा या उसके इक्वल था, ठीक है, ये केस हमको मिला था। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो इसको कंपेयर करके देखे तो जो एक्स है वो क्या है, एक्स माइनस वन है और लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल जो भी साइन है इन, यहाँ पे ए की कंपेयर करते हैं, ए क्या है फाइव है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस फाइव और यहाँ पे लिखेंगे प्लस फाइव,
या तो आप इन दोनों को और इन दोनों को लेके सोल्व कर सकते हो, या फिर आप यहां से ही डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? आपको तो x फाइंड करना है ना, यानी माइनस वन को एलिमिनेट करना है, तो बहुत आप इधर भी और इधर भी तीनों में आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा वन प्लस वन, माइनस फाइव प्लस वन, एक्स माइनस वन प्लस वन, फाइव प्लस वन। यहां से आया माइनस फोर, यहां से आया x और यहां से आया सिक्स, यानी जो x है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, माइनस फोर इंक्लूड है टू प्लस सिक्स, ओके फर्स्ट वाली से। अब जो सेकंड वाली है, सेकंड में आपको रखा है मॉडुलस एक्स ग्रेटर इक्वल टू, तो इसको भी सोल्व करेंगे फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर ए। ये ग्रेटर वाला है तो ग्रेटर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मॉडुलस एक्स ग्रेटर इक्वल ए इफ एंड ओनली इफ एक्स लेस इक्वल माइनस ए और एक्स ग्रेटर इक्वल प्लस ए, ओके। अब कंपेयर करें, कंपेयर क्या करना, एक्स तो एक्स ही है, बस ए की वैल्यू चेंज है, टू है, ठीक है। तो अब ए की जगह टू पुट करते हैं यहां पे, एक्स लेस इक्वल माइनस टू और एक्स ग्रेटर इक्वल प्लस टू। यहां से क्या रिजल्ट आया, जो एक्स है वो माइनस दो या उससे छोटा है, यानी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस, सॉरी माइनस टू, माइनस नहीं क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि माइनस टू शामिल है, यूनियन यहां से क्या आएगा, दो या उससे बड़ा, दो शामिल है ना, और उससे बड़ा इनफाइनाइट, ठीक है। अब दो इनिगेशन थे, इनके सॉल्यूशन को हम इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स जो आएगा वो कहां से बिलोंग करेगा, फर्स्ट सॉल्यूशन से हमको मिला माइनस फोर टू सिक्स इन क्लोज्ड इंटरवल, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, इस वाले के साथ, माइनस नॉट डिफाइन टू माइनस टू यूनियन टू टू नॉट डिफाइन, ठीक है। अब इंटरसेक्शन कैसे सोल्व करते हैं, इसको इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे और इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, इसका जब इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे, मतलब इसमें और इसमें कॉमन पॉइंट, ये माइनस नॉट डिफाइन टू माइनस टू तक है और ये माइनस फोर से प्लस सिक्स तक है, तो माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू इनके बीच के जो भी डेसिमल वाले नंबर है वो सारे आ रहे हैं माइनस टू तक। इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या मिला आपको, माइनस फोर इंक्लूड है, ठीक है, और माइनस टू तक, माइनस टू भी है, ये तो और भी आगे जा रहा है, माइनस टू शामिल है ना इस पॉइंट में, तो माइनस फोर से माइनस टू, ओके। फिर यूनियन लेंगे इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, अब इसका लास्ट वाले के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये तो टू से स्टार्ट है और ये माइनस फोर से सिक्स तक है, तो टू इनके बीच में है, यानी ये पॉइंट आ गया, इनफाइनाइट इसमें नहीं है, बस ये तो सिक्स तक जा रहा है, यानी टू टू प्लस सिक्स, और दोनों शामिल है, इधर टू शामिल है इसमें भी है, सिक्स इसमें शामिल है इसमें भी है, तो दोनों क्लोज्ड इंटरवल में आएंगे टू टू सिक्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें सबसे पहले इस वन को हटाओ, यानी बोथ साइड माइनस वन एड कर दो, फोर माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन, इधर भी थ्री माइनस वन, मॉडुलस फोर माइनस एक्स लेस देन, ये तो जीरो हो गया, इधर टू। अब कंपेयर करो इससे, ठीक है, उसके लिए क्या लिखोगे, फोर एनी पॉजिटिव रियल नंबर ए, रियल नंबर ए कौन सा केस है, ये वो वाला है मॉडुलस एक्स लेस देन ए वाला, इफ एंड ओनली इफ x माइनस ए से बड़ा होगा और सॉरी छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा और प्लस ए से छोटा होगा, ठीक है, यानी जो x माइनस ए से प्लस ए के बीच होगा। अब आपको क्या करना होगा, ये जो रिजल्ट है मैं कहां से लिख रहा हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे इसी वीडियो में, स्टार्टिंग में प्रूव किया था, वहां से वो रिजल्ट मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो हमको मालूम है, प्रूव भी कर दिया था, तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, ओके। तो अब यहां पे क्या करना होगा आपको, कंपेयर करो, जो एक्स है वो तो है फोर माइनस एक्स और ये दोनों साइन लगा दो, माइनस ए, ए क्या है टू है, इधर प्लस ए, ए क्या है वो भी टू ही है, ए तो टू ही है ना। अब क्या करना होगा, फोर को एलिमिनेट करो, माइनस फोर एड कर दो इन तीनों जगह, माइनस टू माइनस फोर, फोर माइनस एक्स माइनस फोर, टू माइनस फोर, सोल्व किया माइनस सिक्स, सोल्व किया माइनस एक्स, सोल्व किया माइनस टू। अब माइनस एक्स है, मेरे को तो प्लस एक्स चाहिए ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वन से, या माइनस, हाँ माइनस वन से ही कर लो, माइनस वन से करोगे तो माइनस से ही हो गया,
तो जब भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो एक्स है वो दो से बड़ा है और छह से छोटा है। एक्स बिलोंग्स टू दो से बड़ा छह से छोटा ओपन इंटरवल में, क्यों ना तो दो ही शामिल है और ना छह शामिल है। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन था। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बच गए हैं वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।